나이 셰베카소 나이 가수 너의 가수 너의 거일이 나이 반대 나이 셰베카소 나이 디브라렌 디브라렌 진이 비전 디브라렌 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 We want justice 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 나이 셰베 long live long live long live 나이 셰베 long live long live long live 우리나라 천재 함으로 아와 순이 예 순이 예 순이 예 함으로 마음 뿌리 걸어 뿌리 걸어 뿌리 걸어 함으로 마음 뿌리 걸어 뿌리 걸어 뿌리 걸어 함으로 마음 뿌리 걸어 뿌리 걸어 뿌리 걸어 어떤 프라메 셰비 본 구나 샤히 어떤 프라메 셰비 본 거나 빠레 거 빠레 거 빠레 거 어떤 프라메 셰비 본 거나 빠레 거 빠레 거 빠레 거 이제 브리스라이 바사 너이 바사 너이 바사 너이 이제 마이라트 때 바사 너이 바사 너이 바사 너이 그냥 본 구나 샤히 예 Yeah, but not a year. I'm a man, I say, Talo Kona Purigo, 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 आज 12 घंटे का बंद है हमारी त्रिपुरा में सीएबी लागू होने मत चाहिए और हम लोग त्रिपुरा जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का हम लोग बहुत बार मेमोरेंडम दिया डेपुटेशन दिया 2 तारीख दिसंबर में भी हम लोग जंतर मंतर में 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर हम लोग उधर प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर डोनर मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के साथ मुलाकात किया हमारी डिमांड के लिए उस दिन हमारी डिमांड था एक नंबर त्रिपुरा जल्दी जल्दी होना चाहिए हमारी एडीसी एरिया में हमारी त्रिपुरा में जो 6 शेड्यूल एरिया है उस एरिया में त्रिपुरा जल्दी जल्दी होना चाहिए ये है हमारी पहला मांग और दूसरा मांग था सीएबी त्रिपुरा में लागू होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर सीएबी त्रिपुरा में लागू हो गया तो बांग्लादेश का और दूसरा राज्य का दूसरा देश का लोग यहाँ आके हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस जितना था उसे और भी ज़्यादा कम कर देगा इसलिए हमारी आइडेंटिटी सेव करने के लिए और हमारी शैल सेव करने के लिए हम लोग त्रिपुरा में सीए भी नहीं चाहिए ये भी यहाँ होने से हमारे फ्यूचर का खतरा है और दूसरा मांग है एनआरसी जो इंडिया में लागू होने जा रहा है उसके साथ हमारे त्रिपुरा में जल्दी जल्दी एनआरसी भी लागू हो जाए वो हमारी मांग था तीसरी मांग और चौथा मांग था हमारी जो रियांग रियांग बोरो जाति वो डिस्प्लेसमेंट था मिजोरम से यहाँ आके 22 साल तक यहाँ रहा तो उस मिजोरम का जो रियांग हमारे त्रिपुरा में रह रहे तो हमारे त्रिपुरा में परमानेंट सेटलमेंट के लिए उन लोगों के कुछ गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए और दूसरा था हमारे ककबरग लोकल लैंग्वेज वो 70 सालों से हम लोग मूवमेंट करके आ रहा हूँ क्योंकि हमारे ककबरग अभी भी 8 शेड्यूल में नहीं डाला गया तो हमारे ककबरग को 8 शेड्यूल में डालने के लिए वो रोमन स्क्रिप्ट में डालने के लिए हम लोग हमारी मांग त्रिपुरा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के था वो जरूर पूरा किया जाए और आज हम लोग 12 घंटों का जो बॉन है स्ट्राइक है एडीसी एरिया में हमारे आईपीएफटी का तरफ से हमारी मांग हुई है जल्दी जल्दी त्रिपुरा लैंड बना के हम लोग को सेव करें और सीएबी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि सीएबी हमारे लिए बहुत खतरा है और सीएबी कम से कम त्रिपुरा में लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश हमारी त्रिपुरा का 3 साइट है 3 साइट का जो बांग्लादेश उधर से जल्द बहुत इन्फ्लक्स बहुत इन्फ्लक्स करके हमारे यहाँ घुस जाएगा इसलिए हमारे आइडेंटिटी सेव करने के लिए हमारी ये मांग 12 घंटों का एडीसी एरिया त्रिपुरा का जो एडीसी एरिया उसे बंद वही है हमारे आज के बंद का कारण পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ আছে এখানে কিছু পিকেটার দেখা গিয়েছিল আমরা তাদেরকে ডিটেন করেছি এখন আমাদের ডিটেনশন সেন্টারে আছে এখানে এখনও আমরা কাউন্ট করিনি এখন লিগ্যাল প্রসেস এটার মধ্যে কাউন্টিং
এবং বাকি যেটা আছে সেটা চলছে। এখন তো আমরা এখানে আছি, এখানে ছিল উঠিয়ে দিয়েছি, আর অন্যান্য জায়গাতে আরও দু একটা জায়গাতে আছে, তো সেখানেও আমরা সেম এখানে যা করেছি ওখানেও তাই করব। আমি নাম্বার বলবো না, সেটা বলতে পারি যে আমাদের এডিকুয়েট অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, আমাদের টাইট সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। সিআরপিএফ রয়েছে, আমাদের টিএসআর রয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশ রয়েছে,